बार मेयर कौन होना चाहिए? उज्जवल गुप्ता जिंदाबाद। उज्जवल गुप्ता जिंदाबाद। अब जेएनयू का था हम हु इज कैपेबल? आई थिंक उज्जवल गुप्ता इज कैपेबल बिकॉज़ साइकिल साइकिल ही दे साइकिल। हु इज एजुकेटेड? आपके उज्जवल गुप्ता इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस मेयर पोस्ट। फाइट बिटवीन उज्जवल गुप्ता एंड कामिनी राठौर? आई एम थिंकिंग दैट फाइटिंग इज बिटवीन द उज्जवल गुप्ता एंड कामिनी राठौर, सो आई माय होप फॉर उज्जवल गुप्ता। कामिनी राठौर। कामिनी राठौर भाजपा का ही बनना चाहिए। बीजेपी बीजेपी वोट फॉर ओनली बीजेपी। कामिनी राठौर को महापौर कौन? कामिनी कामिनी कामिनी। आपको क्या लगता है? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता। ज्यादातर ऐसा होता है जितने महापौर बनते हैं आप करके सब करप्शन हो जाते हैं, आप बदलना चाहिए। तो जी हम आ गए हैं समय फिरोजाबाद के गांधी पार्क में, और गांधी पार्क के लोगों से जानेंगे उनके जन का मन क्या कहता है, रुझान किस तरफ जा रहा है, और फिरोजाबाद निकाय चुनाव का वोट का जो दिख रहा है वो किधर किधर दिख रहा है। तो सर ये सर सर आपसे शुरू करते हैं, कौन महापौर बनना चाहिए इस बार? महापौर तो जो है मतलब बनने के लिए उसकी योग्यता बहुत जरूरी है और जो यहाँ काम करा सके। हाँ। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है जितने महापौर बनते हैं आ करके सब करप्शन हो जाते हैं और सब कमाने में लगे रहते हैं। जो सच्चे दिल से सेवा कर सके उसको महापौर बनना चाहिए। कौन आपको लगता है किसकी उम्मीद? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी पार्टी का आदमी इसलिए नहीं बोल सकता। ठीक है ठीक है, आप बताइए सर कौन इस बार मेयर होना चाहिए? चाहते ही नहीं यहाँ की राजनीति को, मेयर ही नहीं चाहते। अच्छा, ये विकास ही नहीं करते, ये तो भ्रष्टाचार ही है। अच्छा हाँ, तो आपके हिसाब से कौन सही है, सही कौन है? अब आएगा सामने देखेगा, किसी का कार्य तो किया नहीं किसी ने। हाँ। तो कौन सही है? हाँ। ये बात अभी किसी को वोट नहीं दिया है। ठीक है, जीत कौन सकता है? अब ये नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते। सर आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बाबू जी कौन जीतेगा इस बार, महापौर कौन होगा? भैया बीजेपी की दिख रही है हमें, तो बीजेपी दिख रही है। अच्छा चलिए सर, इस बार कौन महापौर होगा? महापौर तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। अच्छा क्यों? जनता को नया मौका देना चाहिए, पढ़ा लिखा हो। ये चुनाव शहर का महानगर का है जी, ना सरकार बदलनी है ना बदलनी बिगड़नी है, इसलिए पढ़ी लिखी जनता जो आवाज उठा सके, अगर जो कह सके अपना, समझे? हमें ना ये जनता जानती है, किसी का नाम लोग क्यों बुराई लो। हाँ जनता जानती है कौन को करना है। चलिए जी मैम कौन? हेलो मैम कौन? हाँ एक्चुअली हम लोग चाहते हैं बिकॉज वी आर रिलेटेड टू द एजुकेटेड फील्ड, तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो मेयर हो जैसे पहले धूतर राठौर जी थी, तो हमें पता है वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती थी बट स्टिल वो एक एजुकेटेड लेडी थी। ओके तो हमने जो वोट दिया था वो उनकी एजुकेशन पर दिया और उन्होंने वर्क भी किया, पर राइट नाउ जो हमारी बीजेपी की तरफ से जो हमारी कामिनी राठौर जी का मतलब कि नाम आया है बीजेपी के साइड से, लेकिन हाँ हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते, ना ही कभी उन्होंने कोई भी मतलब की चीज में भाग लिया, कभी पार्टिसिपेट किया है, ना ही कभी वो पॉलिटिक्स में आई है, ना ही कभी नाम सुना है। तो बस हमारा ये है कि हमें नहीं लगता कि वो मतलब कि हमारे शहर के लिए हमारे सिटी के लिए कुछ डेवलपमेंट वर्क कर पाएगी जिससे कि हम हमारे शहर का कुछ विकास हो सके, क्योंकि जैसे कि सब लोग का मानना है कि ओनली वोट हम असली जी के लिए दे रहे हैं या फिर उनके हस्बैंड जो कि एक ऑलरेडी शायद ठेकेदार जी हैं तो हम उनके दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इट विल बी गुड, ये अच्छा होगा। हमें लगता है कि हमें उसको ये देना चाहिए जो हमारी एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करती है, जो जो जिनको पता है कि कहाँ नीड है, कहाँ इज कैपेबल बिकॉज हर एम एंड उनकी जो प्लानिंग है, उनकी बात करने का तरीका है, और हमें लगता है कि हाँ सी विल बी कैपेबल एंड सी कैन डू बेस्ट फॉर अस, सो आई विल आई वांट आई विल शुड वेट ओनली फॉर उज्जवल गुप्ता। ओके चलिए यस, कौन इस बार मेयर हो सकता है? मेयर सर जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि भाई सीट के हिसाब से चल रहा है आजकल, तो वैसे कैंडिडेट सही खड़ा नहीं करा है। अच्छा हाँ, जो कैंडिडेट होना चाहिए वो उसके आधार पर होना चाहिए कि जो कि फील्ड में अच्छे से काम कर पाए, लोगों की बात समझ पाए, सुन पाए। जो अभी जो जो कैंडिडेट माहौल तो वैसे तो बीजेपी की मतलब दिख रहा है, जो सीट के हिसाब से ही चल रहा है सारा जहाँ तक है, पर कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो एजुकेटेड होना चाहिए कैंडिडेट, जैसे कि उज्जवल गुप्ता है तो वो इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट थी, मतलब कि वो प्रॉपर काम कर पाती, चीज समझ पाती, जहाँ तक मेरा है मानना। बाकी तो अभी जो
उनकी अपनी प्लानिंग है, ठेकेदारी चल रही है, उन्होंने हिसाब से उनको कल इससे तो बेटर फिर नूतन ही थी मेरे हिसाब से, तो जब राठौर नहीं देना था तो नूतन ही राठौर नहीं थी जी। तो आप क्या उम्मीद है किसकी तरफ हवा है? अभी तो क्लियर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि सब देख रहे हैं कोई इधर भग रहा तो इधर भग रहा, अभी तो डिसाइड है नहीं, क्योंकि ये अभी जो सीट है ना बीजेपी की, इसमें मतलब जो नूतन की तरफ से राठौर कामनी तरफ गए हैं उससे लोग थोड़ा सा भ्रमित हैं कैसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आगे 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 अंदर 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 आते हैं और अंदर लोगों से पूछता है, सर इस बार कौन मेयर हो सकता है, मेयर कौन होना चाहिए? सलाह मुझे पता नहीं। ना आपको नहीं पता? आपको पता है? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी, आपको क्या पता? बीजेपी बीजेपी। चलिए इधर इधर, सर इस बार मेयर कौन होना चाहिए? बनना चाहिए मेयर के लिए, भाई हम तो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो वोटर हैं, समर्थक हैं, हमेशा से भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, ऐसा जी भाजपा का ही बनना चाहिए। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, वोट फॉर ओनली बीजेपी 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 बीजेपी। आइए आइए और लोगों से जानेंगे जल्दी जल्दी, बस आपको गांधी पार्क का ओवरव्यू एक दे, गांधी पार्क के लोग जो है जो यहाँ टहलने आते हैं सुबह सुबह, उनका क्या विचार है? सर क्या लगता है इस बार कौन होना चाहिए महापौर? हैं जो शिक्षित और बढ़िया। शिक्षित बढ़िया, कौन कौन है शिक्षित और बढ़िया? जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उसी को। कौन 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 है वो? तो आप देख रहे हो सभी की डिग्री लिखी हुई है। चलिए उज्जवल गुप्ता जिंदाबाद। उज्जवल गुप्ता सर, उज्जवल गुप्ता जिंदाबाद। उज्जवल गुप्ता, ध्यान बड़े ध्यान की बात बोला सर, आप बताइए। उज्जवल गुप्ता जिंदाबाद। उज्जवल गुप्ता जिंदाबाद, तो इधर उज्जवल गुप्ता के समर्थक हैं। सर क्या लगता है इस बार कौन होना चाहिए महापौर? अभी तो कह नहीं सकते कुछ। ठीक है, हवा की तरह हवा सब तरफ की हवा है, सब तरफ की हवा चल रही है, साइकिल हाथी सब तरफ की है, साइकिल और हाथी सब तरफ की। अगर एक चुनना हो तो किसी चुनेंगे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं कह सकते सर, क्या लग रहा है इस बार कौन होना चाहिए महापौर? वहां पर फिर से होना चाहिए बीजेपी प्रत्याशी जीतना चाहिए, बीजेपी का प्रत्याशी। चलिए आइए और इधर, ये वहां पर डांस करते हुए और उनसे पूछते हैं कि नाचते नाचते भैया कौन जी, कौन महापौर इस बार? महापौर कौन? कामिनी। कामिनी कामिनी, आपको क्या? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता इधर सर, क्या कामिनी राठौर? कामिनी राठौर आइए जी। सर इस बार कौन महापौर? सर नहीं, कौन महापौर इस बार? अब आप भी तो मुकद्दर के पीटीएम बन गए, आप कैसे बता सकती हैं? वैसे भाजपा का जमाना है तो भाजपा ही कहीं होगा। चलिए इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब। नहीं, किसी को भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं और आप अपनी बात रखें सामने जरा। किसी कौन सी पार्टी को? कौन सी पार्टी को? अब जे नहीं पता हमें अभी। अच्छा, नहीं पता, आप बताइए। साइकिल आपको क्या लगता है? साइकिल ही जीतेगी। अच्छा आप बताइए। साइकिल इधर बताइए सर। बीजेपी। अच्छा, फूल को वोट दो। अच्छा, फूल को वोट दो। अच्छा क्यों? बीजेपी क्यों? और इसी को देकर वोट खा जाओगे भारी चोट। अच्छा ये इधर 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 इस बार कौन महापौर? पता नहीं। अरे कितने बड़े हो गए? हाँ बीजेपी। अच्छा सर वोट पर बीजेपी। कमल का फूल। आइए 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 इधर थोड़ा बैडमिंटन बच गया ना बस। सर इस बार कौन महापौर है? महापौर कौन? उज्जवल। उज्जवल चलिए इधर, महापौर कौन? वोट नहीं है आई। हाँ महापौर कौन? हर मोदी। अच्छा मोदी जी, आपको क्या लगता है? यही नारा है वो समझेगा मोदी का। अच्छा नमो 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 नमो
नमो नमो बीजेपी इधर। अच्छा बताइए फूल फूल कमल का फूल जी कमल का फूल एजुकेटेड पर्सन वी वांट वी वांट एजुकेटेड पर्सन तो हु इज एजुकेटेड आपके उज्जवल गुप्ता इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस मेयर पोस्ट एंड आई सपोर्ट ओके सो आपको लगता है कि उज्जवल गुप्ता इज द बेस्ट आई हैव डेफिनेटली नोबडी इज नोबडी इन द फाइट एंड नोबडी हैज मैच्ड विद उज्जवल गुप्ता शी इज डेफिनेटली गोइंग टू विन ओके 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 एंड व्हाट डू यू थिंक कमल का फूल हाँ उज्जवल गुप्ता उज्जवल गुप्ता चलिए नहीं करेंगे कोई भूल आइए 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 और जल्दी 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 जरा लोगों से पूछे और लोगों से जाने ये तो कुछ बोलने के काबिल नहीं है इनसे नहीं पूछेंगे आप बताइए क्या लगता है इस बार कौन महापौर होना चाहिए मैं नहीं बता नहीं बता सकते ये भी उनकी तरह है इधर पूछता है सर इस बार मेयर कौन होना चाहिए मेयर जो काबिल हो वही होना चाहिए ये नहीं कि किसी को भी बना दिया जाए कौन है काबिल काबिल तो आगे चलकर पता चलता है लेकिन शो मतलब वर्क करे ये नहीं कि सिर्फ बन जाए और उसको चांस मिल गया बन गया जो काबिल हो तो का वर्क कर समझे लोगों का चांस किसको देंगे चांस सर उज्जवल गुप्ता को भी देना चाहिए क्योंकि वो नए प्रत्याशी है वो भी चाहते हैं कि वो भी कुछ कर दिखाएं मेरा तो यही कहना है चलिए सर सर कौन इस बार महापौर होना चाहिए इस बार तो महापौर भैया हमारा तो भैया फूल है फूल आपका कैसा लगता है फूल ही लग रहा है कामनी देवी लग रहा है क्योंकि वही फूल की थोड़ा सा लहर चल रही है अब मोदी और योगी जी की लहर चल रही है अच्छा इसलिए लग रहा है कि सिर्फ फूल ही लग रहा है फूल ही लग रहा है विकास के इधर 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 जी थोड़ा थोड़ा सा सीनियर सिटीजन से शुरू करते हैं सर आपको क्या लगता है कि इस बार मेयर कौन होना चाहिए मेयर की बात तो ये है साहब आजकल मेयर बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि लालच में और सब अपने अपने स्वार्थ में फंसे हुए हैं बाकी काबिलियत हो कैसा जो मेयर चाहिए कौन कौन काबिलियत अब भैया मेरी नॉलेज में तो है नहीं कौन काबिलियत कौन कौन नाकाबिल मतलब ये इस पार्क की दुर्दशा देख लो आप अच्छा हाँ और यहाँ के जो पब्लिक है वो इतनी बढ़िया है कि अभी घास लगवाइए और टीले वीले सही करा कर और यहाँ रोज जो है बैडमिंटन हो रही है 1,00,000 रुपया घास में लगा है सब कुछ चल रहे हैं तो यहाँ की कोई व्यवस्था सही है नहीं और यही हुआ है जो है हम जो है हमने जो है इसको इसकी सेवा 23 वर्ष हुए करते हुए और अपने हाथ में भी रखा था इसको हमने और कलेक्शन करके इसकी हमने जो है देख रेख की पेड़ लगवाए सिंचाई कराई जी जब जो है नगर निगम हो गया तो लोगों ने कहा कि अब तो नगर निगम सही कराएगा कराया भी मगर उल्टा सीधा कहीं चांद बना दिया कहीं सूरज बना दिया ऊंचा टीला कर दिया घास की कोई व्यवस्था नहीं देख रेख सफाई की आप देख लो सफाई की कोई व्यवस्था नहीं तो दुर्दशा है इसकी और यहाँ हर मोहल्ले का आदमी आता पूरे शहर का और आप देख रहे हो क्या हाल इस बार बदलेंगे मतलब वो पहला बार पहली वाली तो खड़ी हुई नहीं है नूतन जो है अब जो दूसरी है वो मेरे नॉलेज में नहीं है कौन कौन है भैया जो है कैसी है मतलब है तो महिला सीट तो इसमें योग्यता चाहिए जो काम कर सके ये नहीं कि नाम के लिए हो गए और बस आप घर बैठे हैं योग्यता चाहिए योग्यता बस चलिए चलिए इधर सर आपको क्या लगता है मैं ये चाहूंगा कि सारा शहर ही चाहता है कि पढ़ी लिखी जो महिला हो जो शिक्षित हो जो हमारे मेयर पद को संभाल सके यानी किसी की कठपुतली ना हो ऐसी मेयर हमको चाहिए कौन है ऐसा जो कठपुतली नहीं अब इसमें तो ऐसा यही लगता है कि उज्जवल गुप्ता इस समय कठपुतली नहीं है वो एक निर्दलीय खड़ी हुई है मगर किसी पार्टी से नहीं है मगर एक निर्दलीय है चलिए चलिए सर इधर हाँ जी कौन इस बार महापौर होना चाहिए अरे जो काम गया था ही हुआ क्या क्या है जो शिक्षित हो शिक्षित कौन है अरे अब कोई जो सभी है सभी है और जो काम करेगा थी वो करेगा तो ये तो आप वोट देंगे उसके बाद ही पता चलेगा
नहीं, योग्य हो, सही हो, पढ़ी लिखी हो, जो कदम से कदम मिला के चल सके, अधिकारियों से बात कर सके, ऐसा ना हो कि अपना नाम बताने में आदमी झिझके। कौन है कौन? अभी तो आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे सारा कहाँ जा रहा है। नाम नाम नहीं लेना चाहिए, देखो सही नहीं पड़ता, अभी चुनाव आने वाले हैं, किसी का नाम ले रहे प्रत्याशी को, कोई अंदरूनी ठेस पहुंचे या किसी को कुछ हो, इसमें कोई ठेस नहीं है, केवल एक सर्वे है, सर्वे जो है वो रिजल्ट बताएगा। सर क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, विकास कराने वाला होना चाहिए, शहर में विकास होना चाहिए। अब ये क्या है कि विकास के नाम पर पूरी थाना पूरी हो जाती है, पैसे भर लिए जाते हैं जिम में, पूरे विकास का काम ठप्प रहता है। एक महीने से सफाई नहीं दिया, खुद दे सकते। चलिए चलिए सर, इधर आपको क्या? हाँ, आप पढ़ा लिखा होना चाहिए मेयर, और क्या आप समझदार हो। हाँ और क्या जी, इधर भैया जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर क्या लगता है आपको इस बार में महापौर कौन होना चाहिए? भाई हम तो भाई पार्टी बंद आदमी, अच्छा हम तो फूल को देंगे, चाहे कोई भी बना जी। चलिए आप बताओ। नहीं हाँ, इधर आप लोग का वोट है नहीं है? अरे सारे के सारे ये युवाओं का वोट नहीं है भाई इस देश में। जी क्या लगता है आपको इस बार कौन होना चाहिए? हम ऐसा क्या डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन उज्जवल गुप्ता, उज्जवल हाँ उज्जवल गुप्ता की उम्मीद है जी। जी आपको क्या लगता है सर कौन होना चाहिए? मुझे तो निर्दलीय उम्मीदवार की महिला की ज्यादा, निर्दलीय उम्मीदवार की उम्मीद है जी। सर इस बार महापौर कौन होना चाहिए? बताओ बताओ भाई बताओ, उधर बता दिया सर। आपकी राय जानना चाहता हूँ। उज्ज्वला गुप्ता, उज्ज्वल गुप्ता। चलिए तो मिला जुला माहौल है जो है ये गांधी पार्क का, और गांधी पार्क में जो लोग चाह रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम नीचे दिखा रहे हैं कि गांधी पार्क के लोगों की क्या राय है, नीचे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। आपको क्या लगता है सर इस बार किसकी उम्मीद है, कौन जीत सकता है, मेयर कौन बनेगा? नहीं आप बताए, नहीं कुछ कहने से बचते हैं कुछ लोग, लेकिन हमने भी जिद पकड़ी, हम जान के रहेंगे। सर कौन होना चाहिए महापौर इस बार? ये पार्टी से बंधे हुए, पार्टी का आदमी होना चाहिए, पार्टी का आदमी होना चाहिए। कौन सी पार्टी? भाजपा। भाजपा भाजपा इस बार जी जी बिल्कुल आता हूँ लौट के। सर इस बार क्या उम्मीद है, कौन महापौर होना चाहिए? महापौर कौन सा होना चाहिए जी? महापौर तो एक भी उचित नहीं है, पर तो वोट तो देना ही पड़ता है कामिनी राठौर को। कामिनी राठौर को आपको क्या लगता है सर? ऐसा है कि जो पहले से ही नगरपालिका में ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को वोट तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उचित अनुचित लाभ अगर कोई मेयर पद जीतता है तो उन ठेकेदार लॉबी को जरूर जाएगा। इसलिए ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो पहले से नगरपालिका में किसी तरह की ठेकेदारी से वो या उसका परिवार ना जुड़ा हुआ हो। कौन उम्मीदवार आपको ऐसा लगता है? देखिए इसमें कुछ मेयर पद के उम्मीदवार ऐसे हैं जो ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं, वो या उनका परिवार के लोग, उनको हम लोगों का उनको बहिष्कार करना चाहिए। लहर की तरह लहर देखिए कुछ वोट बटेगा जरूर, और जिसमें कि उज्ज्वला गुप्ता, कामनी उज्ज्वला गुप्ता, कामनी राठौर और समाजवादी पार्टी, चारों तरफ वोट बटेगा। अब देखते हैं कि किधर को मिलेगा इस सबका बटने का। बटने का फायदा उज्ज्वला गुप्ता को, अगर उज्ज्वला गुप्ता को वोट जाता है तो नेचुरली बीजेपी का वोट कटेगा, और ये है। चलिए आपको क्या लगता है कौन इस बार जीतना चाहिए? कौन जीते? अब तो मुझे तो पता नहीं कोई भी जीते। वोट किधर जाए?
मेरा अब देखते हैं किसको ज्यादा। अच्छा, आपके लिए काबिल कौन है? मेरी नहीं, अब मैं क्या बताऊं? चलो आप बताइए। अच्छा चल, इधर जानेंगे कुछ लोगों से, और इधर के जो लोग हैं देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। जी जी भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार कौन किसकी उम्मीद है, कौन महापौर हो? देखो भाई साहब, हम तो भाजपा के आदमी हैं और अटल जी से जुड़े हुए हैं और जिंदगी भर उनसे ही जुड़े रहे। भाजपा एक ही बात भाई, एक ही ग्रुप है हमारा, ये पूरा एक ही ग्रुप है, तो सारा भाजपा का है। चलिए चलिए, तो इधर भाजपा आपको क्या लगता है जीतने के? जी भाजपा बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। चलिए आइए सर, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। कौन जीतेगा इस बार, किसकी उम्मीद है? भाजपा, भाजपा की है, भाजपा की है, सोच विचारने के बाद भी कह रहे लोग। सर क्या लग रहा है इस बार, किसकी उम्मीद है? उज्ज्वला जी, उज्ज्वला आपको क्या लगता है? आपको हमने बता दिया, आप चलिए 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 आइए आइए। तो जनाब ये कुछ उधर महिलाएं हैं, अगर वो हमारी बात का जवाब दें तो उनसे भी पूछेंगे कि कौन इस बार महापौर होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी आपको ये दिखा पाए कि जनता का रुझान जो है वो क्या कह रहा है, लोग कितना खुश हैं बीजेपी से और कितना नाखुश है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। मैडम इस बार कौन मेयर बनना चाहिए? भैया का होता है मेयर, वैसे बीजेपी की बननी चाहिए, बीजेपी की बननी चाहिए। आपको क्या लगता है मैडम? मैं भी बीजेपी को ही देती हूं। बीजेपी माता जी ये बननी चाहिए जो सब कह रहे हैं सोई। अच्छा अच्छा, और कोई ऐसी पार्टी है नहीं है। अच्छा, जो देश को संभाले बीजेपी है तब तक। क्या 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 सुविधाएं हैं बीजेपी? अरे सब सुविधाएं है, बहन बेटियां फिर ये आजाद है, कहीं कहीं जाए कहीं आए, चोरी चकोरी बंद है, लूटपाट बंद है, गई पकड़ बंद है गई, और जब से अगर का सुविधा मिलेगी, गरीबन को राशन मिल रहा है, महिलाओं को सबको विधवान को पेंशन मिल रही है 1000 रुपए महीना, जो सबसे बड़ी सुविधा है कि नहीं? और फिर महंगाई महंगाई, देखो महंगाई के संग में तुम्हारी सैलरी भी तो ज्यादा है भाई, कहाँ 1000 रुपए मिलते हैं, आज तुम्हें 5000 रुपए सैलरी मिल रही है। हम लोगों को महंगाई लगता है, महंगाई कचरा को मोदी ने महंगाई बढ़ा दी, योगी ने महंगाई बढ़ा दी, कुछ महंगाई नहीं है। जो आदमी को सैलरी 25000 मिलती है, आज 50000 मिल रहे हैं, और मोदी जी ने अटैक जे कर दो कि अभी जॉब ना निकल रही बच्चन में, तो बच्चा भड़क जाता मूड दे। चलिए चलिए, इधर राय लोगों ने अपनी दी, अच्छी राय दी। क्या क्या लग रहा है इस बार मेयर कौन बनना चाहिए, जिसको अल्लाह बनाए? अच्छा, किसकी उम्मीद है? अब उम्मीद तो है कि गलियों से चार-चार पांच-पांच जने हो गए हैं। कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? हम कहते रहे जिसको अल्लाह जिताएगा और इज्जत देगा वो ही है। अच्छा, इज्जत जितना तो उसके हाथ है। अच्छा, जिसको अल्लाह ताला नवाज ले उसको कोई नहीं रोकने वाला, एक वोट नहीं डालो तुम। और अल्लाह ताला अगर अपने फरिश्तों से अपने उसको ऐनी कर दे तो वोट मेरे आ जाएंगे, मेरे कामयाब हो जाएंगे। इज्जत जाना वाला ऊपर वाला है, अब इससे क्या सब कुछ हाथ में उसके, ना एक पत्ता नहीं तो उसकी हुकूमत, उसी से उम्मीद रखो। अल्लाह जिसको इज्जत दी उसकी जिल्लत में मार नहीं करो, अल्लाह तरह उम्मीद से ज्यादा उम्मीद करो, बस अल्लाह की, अल्लाह से उम्मीद ऊपर वाला करेगा। तो किसकी? चलो, तो लहर लहर किधर दिख रही है आपको, कौन सी पार्टी की तरफ लहर दिख रही है? मैं जिस पर नजर करती हूं भैया, आप लोग तो घर में रहते हैं, हम लोगों को क्या? इस बार महिला ओबीसी सीट है, तो जितनी भी प्रत्याशी हैं वो सारी महिलाएं हैं, तो वो और सबके सब घरेलू हैं, तो आप घरेलू, आप जैसी घरेलू महिलाओं से हम जानना चाहते हैं कि वो किस किस घरेलू महिला को वोट दी। अल्लाह किसका है? अल्लाह सबका है किसका है? हल्ला आपको क्या लगता है मैडम? जी चलिए सेम आंसर आई।
भैया इस बार किसका उम्मीद है, किस कौन जीतेगा महापौर? भाजपा 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 उसको लिया आप तो सेम ही बोलेंगे। चलिए बताइए कौन इसकी किसकी उम्मीद है इस बार? उज्ज्वल गुप्ता बिकॉज ही इज एजुकेटेड कैंडिडेट एंड डिजर्विंग कैंडिडेट। डिजर्विंग है yes. बाकी कोई डिजर्विंग नहीं है? बाकी कोई नहीं है ऐसा तो नहीं है, बट उसको पता है कि उसकी क्या ड्यूटीज है, क्या करना है उसको हमारी सिटी के लिए, इसीलिए हम उसको डिजर्विंग समझते हैं। मे भी और लोगों को भी पता हो, मे भी और लोगों को पता है, हाँ हो सकता है, बट जो अभी हमारे लिए अप्लाई किया है फाइट में उनको नहीं पता होगा। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं मेयर के लिए कामली राठौर जी, आई डोंट थिंक सो उनको पता है। अच्छा और बाकी भाजपा के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, मतलब हमको ओनली फाइट बीजेपी और उज्ज्वल गुप्ता के बीच में दिख रहा है, तो उज्ज्वल गुप्ता इज बेस्ट। So you are thinking the fight between Ujjwal Gupta and Kamini Rathore? Yes, I am thinking that the fighting is between the Ujjwal Gupta and Kamini Rathore. So my vote for Ujjwal Gupta. Your vote for Ujjwal Gupta and you think Ujjwal Gupta will win? Maybe. Okay. Hi. और लोगों से जानेंगे भैया क्या रिस्पॉन्स है, भैया क्या लग रहा है इस बार कौन महापौर बन सकता है? वो काम करेगा वो बोलेगा ये हम करेगा काम करेगा या नहीं करेगा, वोट किसे जाएगा? अच्छे कई 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 लोगों का रुझान है वो जिसका आ जाएगा। अच्छा फिर भी लहर की तरह वो तो राठौर जी ज्यादा चल रहे हैं। तो ये सब ये लोगों का जो आपने देखा कि नीचे हमने आपको दिखा रहे हैं कि कौन किसका रुझान ज्यादा है और लोग किसको पसंद कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ये एक क्विक सर्वे है और ये जो सर्वे है ये आपको एक्चुअल रिजल्ट बता सकता है, क्योंकि ये जमीनी सर्वे है, फेसबुकिया सर्वे नहीं है। तो थोड़ा फेसबुकिया सर्वे से दूर होते हुए हमने सोचा कि हम ग्राउंड रिपोर्ट करें और जमीन पर आपको बताएं कि कौन इस बार जीत सकता है और जमीनी सर्वे क्या कहता है। तो ये सब जानने के लिए आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये सर्वे पहुंचना चाहिए। जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो लोग यहां पर बता रहे हैं, उनकी सारी बात जो है वो पूरे फिरोजाबाद तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैडम कौन उम्मीद है, किसकी उम्मीद है कौन महापौर बन सकता है? वो तो निकले निकला रखे वही बनेंगे। कौन कौन निकले? मोदी जी। अच्छा यानी बीजेपी। तो ये है एक्सक्यूज मी कौन उम्मीद किसकी है आपको, कौन जीतेगा महापौर, कौन बनेगा महापौर? कामनी राठौर। कामनी राठौर जी बीजेपी जी। जी चलिए तो ये लोगों की राय है। ये हमारा गांधी पार्क और गांधी पार्क का सर्वे था। गांधी पार्क में हमने आपको बताया कि लोगों की राय क्या है और लोग किस तरीके से चाह रहे हैं और जो सर्वे है वो क्या कहता है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।